अरे हमारा फोन काट दिया। अभी बताते इनको। फोन काहे काट रहे थे हमारा? इतना महंगा फोन काहे खरीदे हैं जब अपनी धर्म पत्नी का फोन नहीं उठाया जाता है तो? तुमसे 2 मिनट रुका नहीं जाता है, बाथरूम में थे यार। हाँ तो हमारा फोन नहीं उठाएंगे, अब इतना मन बढ़ गया आपका? अरे 2 मिनट शांत हो जाओ बाबा, बाथरूम में थे कैसे फोन उठाते तुम ही बताओ। हाँ तो क्या, बाथरूम में तो फोन नहीं उठाएंगे हमारा? ऐसा क्या कर रहे थे बाथरूम क्या, में? क्या, 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 क्या? बाथरूम में इंसान क्या ही करेगा, क्या दो ही तो काम करने जाता है इंसान। क्या सोच रहे हो, या तो नहाने या तो धोने, अब दोनों में से कोई एक काम तो कर ही रहे होंगे। दिन भर में हम 1 बार फोन करते हैं आपको और उसी समय आपको बाथरूम जाना होता है। सच सच बताइए क्या कर रहे थे? अब आदमी चैन से बाथरूम भी नहीं जा सकता, एक तो बाहर से खाना मंगा के खाए हाजमा खराब हो गया है हमारा, और एक आप है प्रभु जो हमारा दिमाग खाए हुए हैं सुबह सुबह। अरे हम तो बस पूछ ही नहीं रहे थे जी, इतना गर्मा कह रहे हैं। अच्छा क्या खाए थे बाहर जो आपका पेट खराब हो गया? हाँ अब तुम मत शुरू हो जाओ सुबह सुबह। अब तुमने मेरे मौजे कहाँ रखे हैं? खोजते खोजते हम परेशान हो गए, सुबह से मिला ही नहीं। मौजे? अरे वहीं पड़े हैं अलमीरा में, ठीक से देखिए जरा। और ये शर्ट कहाँ पड़ा है? शर्ट? अरे शर्ट आपका वहीं पड़ा है जहाँ पे आपका पैंट रखा है, ठीक से देखिए जरा। अब ये पैंट कहाँ पड़ा है? नहीं मिला। अरे पैंट आपका वहीं है जहाँ पे आपके कच्छे रहते हैं, ठीक से देखिए जरा। अच्छा अच्छा हम ढूंढ लेंगे। अगर हम नहीं रहेंगे ना तो पता नहीं आपका क्या होगा, अभी 2 दिन में तो आपको सामान नहीं मिल रहा है। और बताइए आप अभी जूता मोजा पहन करके कौन सा मैराथन दौड़ने जाएंगे? काहे खोज रहे हैं मोजे? मोदी जी मना किए ना घर से बाहर निकलने के लिए। जनता कर्फ्यू कल से है, आज तो नहीं, आज तो थोड़ा काम कर ले हम। और उस दिन जो तुम जा रही थी, तुम छुट्टी लिए थे, काम का तो प्रेशर बढ़ेगा ही ना। अच्छा जी, हम जो सुबह से उठ करके आपका खिदमत में लगे रहते हैं, हम तो कभी आपको नहीं बोले। हम कभी आपको बोलने के लिए आए कि हमारे लिए कितना बड़ा बड़ा अफसर लोग का रिश्ता आया था? हम तो कभी आपको नहीं सुनाए, और आप 1 दिन का हमारे लिए छुट्टी लिए और वो आप हमको सुना रहे हैं। अच्छा जी, अब ये कहने बोलती हो कि जो सारे ऑफिसर का तुमको रिश्ता आया था, सबके सब साउथ इंडियन फिल्म का गुंडा की तरह दिखते थे, अब उनमें से मेरे सर पे बाल करना पड़ा शादी? और कौन सा नौकरानी बनाया है तुमको? कौन सी नौकरानी महीना में 10,000 का शॉपिंग करती है? हाँ तो हम तो खाली 10,000 का शॉपिंग करते हैं हर महीना, और वो जो बगल वाले जो शर्मा जी हैं, उनकी वाइफ तो हर महीने 25,000 का शॉपिंग करती है। हम तो कभी नहीं आए आपको सुनाने के लिए क्यों 25,000 का शॉपिंग करती है, हम 10,000 का काहे करेंगे? तो क्या, अब उसकी बीवी को देखियो, ऐसे तो 10,000 उसके मेकअप का ही जाता होगा। अब जितना वो अकेले को पाउडर लगाती है, उतना में तो पूरा मोहल्ला वाली औरत तैयार हो जाए। सब समझ रहे हैं हम, आप बहुत मोहल्ले की औरत लोग को नोटिस करते हैं ना। अरे हम तो बस बता रहे हैं तुमको, तुम हम ही पे चढ़ रही हो। अब हमको क्या पता आप बाहर कितना औरत लोग को देखते हैं दिन भर, तभी तो 2 दिन बोले हम आपको रुक जाने के लिए, तब से रुका नहीं गया। हमको तो लगता है कि बाहर आपका कहीं कोई चक्कर चल रहा है, सच सच बताइए हमको। तुम ना चांदनी चौक से बात को चाइना लेके जा रही हो, हम तो तुमको बता रहे थे कि तुम कितनी सुंदर हो, तुमको तो मेकअप का भी जरूरत नहीं है। चाइना का तो हमारे सामने में नाम मत लीजिए, पता नहीं क्या क्या खाता है चमगादड़ भमगादड़, और आप तो चाहते हैं कि हमको हो जाए वो कोरोना वायरस ताकि आप ले आए एक दूसरी जो आपका हुकूमत करता रहे। अरे पगली, वो तो COVID-19 वायरस है, कोरोना तो बीमारी है। हाँ हाँ हम तो गवार है ना, लेकिन सोच लीजिएगा वो जो पढ़ी लिखी आएगी ना, वो आपका कच्चा नहीं धोएगी हमारी तरह। अब तुमको कितना बताएगी तुमसे हम कितना प्यार करते हैं, अब क्या हनुमान जी की तरह सीना सिर के दिखाए तभी भरोसा होगा तुमको? हाँ एक ठो व्रत रखने बोलते हैं, वो तो आपसे रखा नहीं जाता है, और बड़ा सीना चीर के दिखाएंगे हमको। ज्यादा डायलॉग मत मारिए हमारे सामने। अरे हम सच बोल रहे हैं जी, तुमको तो भरोसा ही नहीं है। अच्छा सुनिए ना, वो उस दिन जब आप चले गए थे ना, तब माँ कह रही थी कि अब शादी का 2 साल हो गया है तो। हाँ तो? तो वही कि घर खाली खाली लगता है। अच्छा 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 अच्छा, नाती चाहिए होगा इनको, अपनी अम्मा को कहे नहीं बोलती, अगर घर खाली लग रहा है तो कर ले, और ससुर जी भी रिटायर कर गए हैं, कोई काम तो होगा नहीं उनको।
समय निकाल के एक वो कर लें। और अजी चुप रहिए, कुछ भी मत बोला कीजिए। हमको तो समझे में नहीं आता है, हमको इतना जल्दी नहीं है, इनको क्या इतना चूल मचा हुआ है। शादी का पहला दिन से ही बच्चा 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 कर रहे हैं। और उनको भी तो लगता होगा ना कि कोई खेलने वाला हो, इसीलिए ना बोलती है। अगर खेलने के लिए कुछ नहीं है तो खिलौना ला दो ना बाजार से तुम। अच्छा सुनो, अब हमको काम पे निकलना है वरना लेट हो जाएगा, नहाना भी और तैयार भी होना है। अच्छा ठीक है और झगड़ा नहीं कर रहे हैं, ठीक से जाइएगा, अच्छा से रहिएगा। हाँ ठीक है, राशन तो है ना घर में? अरे नहीं नहीं, सब खत्म होने पर ही था, सब राशन ले आइएगा और ना सब थोड़ा ज्यादा ज्यादा करके लाइएगा, कहीं बढ़ ना जाए कर्फ्यू। और हाँ एक बात हमारी सुन लीजिए, राशन में दारू और सिगरेट नहीं आती है, तो वो लेकर के मत आइएगा। ये नहीं कि है नहीं हम तो अय्यासी करेंगे खूब। अरे राशन तो सरकार भी देगा, दारू नहीं मिलेगा ना? अच्छा नहीं लाएंगे। और कुछ महारानी जी? और हाँ सुनिए हमारी बात, आज ना हम टीवी देख रहे थे, टीवी में बोल रहा था कम से कम 20 सेकंड तक अपना हाथ धोना है और सैनिटाइजर लगाना है और बाहर जा करके किसी से हाथ नहीं मिलाना है। ठीक है ठीक से जाइएगा, कह रहे हैं हम बार बार। ठीक है जी, अब हम जाएं। और सबसे कम 1 मीटर की दूरी बना के रखिएगा, किसी के करीब नहीं आना चाहिए। ठीक है प्रभु। हम बोले थे आपको कि अभी कोरोना फैल रहा है, कहीं बाहर मत जाइए, लेकिन अब सुनते कहाँ है हमारी। अब जाइए बाहर, हो गया ना कोरोना, देख लीजिए कैसे चीख पे चीख आ रही है, हमारा क्या होगा। अरे रुको जरा, जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वैसे हर चीख कोरोना नहीं होती। हम ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, बाद में बात करते हैं, बाय। ध्यान रखिएगा अपना बस, ठीक है बाय।